ओ भाई साहब भाई 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 ये वाला देखो फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल चूरन पर। इमशान भाई क्या जुल्फे सेट कर रहे हो? अच्छा, और हम लोग आज घूम रहे हैं अखिया बारा के टेक्नोलॉजी वाले टाउन में। बहुत ज्यादा शॉपिंग हम लोगों ने कर लिया है और पता क्या चक्कर है, मेन शॉपिंग की जगह तो अब आई है अखिया बारा। ऑब्वियसली यहाँ पर एनिमे गेम्स लाइक वीडियो गेम्स सब कुछ मिलता है यहाँ पर आपको। भाई 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 ये पूरी बिल्डिंग एनिमे थीम पे है। लाइक नॉट एक बिल्डिंग, लाइक पाँच छः बिल्डिंग एकदम साथ में बनी हुई है और अंदर पूरी एनिमे थीम है। मतलब कि अगर आप एनिमे के बहुत बड़े फैन हो तो ये जगह आपके लिए बनी है स्पेशली। मेरे को लेजिट ऐसा लग रहा है कि मैं खुद एनिमे वर्ल्ड में घूम रहा हूँ। खुद एनिमे वर्ल्ड में घूम रहा हूँ भाई। मेरे को आप ये ब्लॉग यूट्यूब नहीं है, आप मेरे को कार्टून नेटवर्क पर देख रहे हो। ये पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, ये पूरी बिल्डिंग के अंदर लिटरली एक शॉप नहीं है, ये पूरी बिल्डिंग का हर एक फ्लोर शॉप है। और सिर्फ इसी बिल्डिंग का नहीं, हर एक बिल्डिंग का फ्लोर शॉप है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक बिल्डिंग के अंदर घूमने के लिए आपको पूरा दिन चाहिए। हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ पर और शुरुआत करेंगे एकदम ऊपर से। ला दे फिर, ईशान का आइडिया है भाई। ईशान को मना करेंगे ना तो मेरे को छोड़ के भाग जाएगा यहीं पे, और अगर ईशान छोड़ के मेरे को भाग गया ना घर नहीं पहुंचने वाला फिर। यार ये कि स्टक हो चुकी है। अच्छा सिंह ये वाली आ रही है, ईशान ये वाली आ रही है। लगा लगा लगा, कितने फ्लोर? 10 फ्लोर है भाई। मतलब कि 10 दिन का हम टूर एक ही दिन में करने वाले हैं। तो ये रहा फ्लोर नंबर 10। ये क्या टॉयलेट है क्या? अच्छा ले, पहले फ्लोर पे आए। अच्छा खाना भी नहीं होता यहाँ पर, खाना कुछ आता? चलते हैं, थोड़ी बहुत वेंडिंग मशीन लगी हुई है, देख के आते हैं कि वहाँ पर कुछ यूनिक चीज है कि नहीं। क्या नॉर्मल ड्रिंक्स की मशीन है यार, कुछ यूनिक चीज हमें क्यों नहीं मिल रही? ईशान लाइट देख के, ईशान लाइट देख के हैरान हो चुका है। मैं मेरे को दिखा नहीं, ईशान इधर देखियो, हीरो। मुझे ऐसी लाइटिंग पसंद है पूरे कमरे में। हाँ, मेरे है ऐसी ही है। तो एक काम करना, सेटअप यहीं पे लेके आ जा। मेरे है ही उधर ऐसा लाइट्स भाई। ये लाइटें अंधा करवा देंगी, इतनी ब्राइट है ये। ओके अभी चलते हैं फ्लोर नंबर 9 के ऊपर, क्योंकि 10 के ऊपर तो वैसे कुछ था ही नहीं। हमको लगा कि 10 के ऊपर ना एकदम अफरा दफरी मची होगी, लोग भाग रहे होंगे, कुछ भी नहीं था। ओके आते ही अपनी पोकेमोन की शॉप। पोकेमोन की शॉप है ना ये? नहीं, कोई गेम शॉप है। ओके अरे पोकेमोन के कार्ड्स ये रहे। ओके यार चेकआउट करते हैं फटाफट से। ओ माय गॉड, कोई एक्सपेंसिव वाला देते हैं। चला मेरे को लेना है एक कार्ड, लेना है यहाँ से पोकेमोन की शॉप से कार्ड ले रहे हैं हम। सबसे महंगे वाला ले, पाड़ देंगे पाड़। ये पिकाचू लेना है मेरे को, पिकाचू। ईशान मेरे को ये लेना है, लेकिन ये चमक नहीं रहा, चमकीले वाला लेना है मेरे को। थोड़ी फील आनी चाहिए ना कि चमकीले वाला कार्ड लेकर रखा हो मैंने, थोड़ी फील। ये नॉर्मल कार्ड तो मेरे को यहाँ वहाँ से मिल जाएंगे, चमकने वाला लेते हैं हम। ये बहुत सस्ती, 1000 का भी नहीं। कहाँ पर? 1000 का भी नहीं होगा। ये कौन सा पोकेमोन है इसका मेरे को समझ में नहीं आ रही, तो अलग ही लेवल है इसका। तो यार ये कार्ड है महंगे, फॉर एग्जांपल ये देखो 3000 का लगा हुआ यहाँ पर। पर वंस अगेन चमकने वाले नहीं है मेरे को यार, चमकने वाले चाहिए। यो ईशान लेना, एक मेरे को गिफ्ट देना भाई, गिफ्ट देना भाई, मेरे को गिफ्ट दे। मैंने दे सकता भाई, ये बहुत महंगा। ये वाला देखो, निकलो 7000 का है, नहीं ना 7000, 7 लाख का था। तुमने देखा ये सेक्शन गाइस पूरा पोकेमोन कार्ड्स के ऊपर था। लाइक लिटरली हर एक शॉप के अंदर आपको पोकेमोन कार्ड्स वगैरह मिल रहे हैं। और अभी चल रहे हैं नेक्स्ट वाले फ्लोर पे, फ्लोर नंबर 8 पे आप आ चुके हैं गाइस। और यहाँ पर मिल रहे हैं आपको एनिमे का सामान। ओ भाई साहब भाई 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 ऑब्वियसली गाइस मेरे को एनिमे का शौक नहीं है और मेरे को इतना पता नहीं है, बट ये आपको अगर शौक है तो आपको पता होगा कि ये क्या है। और इस शॉप की खास है बताऊँ, जितनी भी गुड़ियाज है ना सब सोल्ड आउट है। ये देखो सोल्ड आउट, ये भी सोल्ड हो चुकी है, ये भी सोल्ड आउट, सब किसी बंदे ने खरीद कर रखा हुआ। तो गाइस ईशान को ये पसंद आ चुका है, वो उठाने वाला था, मैंने बोला रुक पहले ये देख भाई, ये तो मेरे को देखना है। काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, ये लाइक छोटे बच्चों के लिए नहीं, ये बड़े लोगों के लिए ना। इसका प्राइस देखो, इधर देखो इसका बताओ, 41,000। मतलब कि ये एक्चुअली चलती हैं ये ट्रेन्स? एक्चुअली चलती हैं ये 20,000 रुपए की। भाई साहब देख रहे हो डिटेलिंग वर्क इसके ऊपर यार, एक एक चीज दिखा कर रखी है इन लोगों ने यहाँ पर। क्या है ये? अच्छा सेपरेट पार्ट्स हैं, मतलब कि अगर आपने लिया कुछ टूट गया या ट्रेन क्रैश हो गई या तोड़ दिया आपने या फट गई तो आप यहाँ पे इनके एक्स्ट्रा पार्ट्स ले सकते हो। अरे ये जब ट्रेन का पूरा मॉडल बनाते हैं ना तो डेकोरेशन के तौर पर ये गायें छोटी गाड़ियाँ ये बंदे वगैरह रखते हैं। ये पता क्या करते हैं गाइस, इनके घरों के अंदर ना बड़ा मॉडल बना होता है, ये हमारे यहाँ भी होता है।
लोग गार्डन के अंदर ना पूरा ट्रेन का पूरा मॉडल बनाते हैं, पूरा स्टेशन होता है, घर होते हैं, टाउन्स होते हैं, तो छोटी छोटी डिटेलिंग, हाँ तो छोटी छोटी डिटेलिंग करने के लिए ना वो यहाँ पर आके वो सब कुछ ले सकते हैं। 16 टाइम का स्कोप भाई, इसलिए क्या 5000 का ये लगाएंगे ना अपनी पबजी के अंदर M4 के ऊपर, तो कट 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 बंदे मारेंगे। गाइस मेरे दोस्त मालकम को जानते हो ना, उसके लिए ये दुकान हेवन है। वो सारा दिन यही बनाता रहता है घर में बैठे, काम के बाद पूरा दिन लगा होता है और छोटी छोटी डिटेल डालता है, पूरा दिन लगाता है। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम उसे घर जाऊंगा ना, दिखाऊंगा इसने बड़े बड़े मॉडल्स बना के रखे हुए हैं। पर अभी आता है गाइस द नेक्स्ट फ्लोर, ये फ्लोर नंबर 7 एंड वंस अगेन ये है पोकेमोन फ्लोर। ओके, यहाँ पर भी इतना कुछ नहीं है यार, ये पोकेमोन टाइप फ्लोर है ये। चल नीचे चलते हैं, कुछ नहीं आ जा। ओके, ये वाला फ्लोर आई थिंक थोड़ा बहुत लेडीज टाइप है, यहाँ पर डॉल्स वगैरह पड़ी हुई हैं। ये लेडीज से लेते हैं, ये उनका लड़के लेते हैं। ये लड़के कौन लेता है? ये लड़के क्यों नहीं लेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो लड़का नहीं है। अरे स्टिकर्स वगैरह लगी हुई हैं, शान निकलते हैं यहाँ से भी। हाँ, ये भी थोड़ा बहुत लेडीज टाइप सामान मिल रहा है यहाँ पर। देखो पिंक पिंक चीज़ें लगी हुई हैं, गुड़िया स्टिकर्स, ये एनिमे टाइप। ओके हम ये यहाँ पर नहीं देखते, तो ये वन सेकंड, गुड़िया टाइप डॉल्स वगैरह यहाँ पर लगी हुई हैं। यहाँ पर कुछ और डॉल्स हैं, कुछ और डॉल्स हैं। तो ये वाला फ्लोर भी आई डोंट थिंक अपने मतलब का है। ओह माय गॉड, सारे लोग यहीं पर ही खड़े हुए हैं। फ्लोर नंबर 3। ओके भाई, यहाँ पर मोस्टली पड़े हुए हैं बैजेस, ये कुछ इस टाइप के, कुछ स्टिकर्स, कुछ बैजेस, कुछ स्टिकर्स, कुछ बैजेस, कुछ स्टिकर्स। भाई 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 भाई, यहाँ भी लगता अपने काम की कोई चीज़ नहीं है, स्टिकर्स एंड बैजेस ही पड़ी हुई हैं। बिलीव नहीं करोगे, हम लोग 10 सेकंड के अंदर पूरा फ्लोर चेकआउट कर रहे हैं। ओके, अभी इसके बाद जैसे ये एलिवेटर जो है नीचे जाएगी, आई थिंक ये वाला अपने मतलब का लग रहा है। ऑलराइट, फ्लोर नंबर 2। ओह माय गॉड, कितने पोकेमोन कार्ड है यार, पोकेमोन ने अलग अलग यार क्या है ये, ये देखो कार्ड कार्ड कितने पूरी, ये कितने कार्ड लोग ले रहे हैं, इन्हें कौन ले रहा है इतने कार्ड। एंड ये है अपना लास्ट फ्लोर, अत्ते शुरुआत कहाँ से हो रही है कार्ड्स। एंड ये रही अपने टाइप की शॉप यार, यहाँ पर भी ये गुड़िया गुड़िया पड़ी हुई हैं यार, खीरिंग्स पड़ी हैं, अपने टाइप की चीज़ें कहाँ पर हैं। यहाँ पर भी DVDs, बुक्स, CDs वगैरह पड़ी हैं, लेकिन टेंशन नॉट ब्रो, ये शॉप भी जो है अपने मतलब की नहीं है, लेकिन टेंशन नॉट, अभी पूरा टाउन बचा हुआ देखने के लिए, अभी तो गैजेट्स आने वाले हैं, छोटे छोटे फंकी फंकी। और अभी हम आ चुके हैं एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर, यहाँ पर भी आईपैड पड़े हैं, यहाँ पर भी आईपैड पड़े हैं, वहाँ पर आईपैड पड़े हैं, पीछे आईपैड अनबॉक्सर खड़ा है मेरे पीछे। और ईशान भाई को यहाँ पर ये वाला आईपैड पसंद आ चुका है, तो अपने वीडियो के लिए कुछ करने वाले हैं, कुछ बड़ी वीडियो आने वाली उनके चैनल के ऊपर, और उनको वो आईपैड लेना है। This is not for person, it's for comparing with other. अभी लेने से पहले ये हमको टेस्ट करवा रही है, ये दोनों चल तो रहे हैं मस्त। हाँ सर, अभी हम गाइस आ चुके हैं एक छोटी सी गेम शॉप में, जहाँ पर अपने ज़माने की गेम्स मिलती थी। कंट्रोलर देख रहे हो, ओह माय गॉड कूल मजे, ये छोटी कैसेट्स में डालता था निंटेंडो गेम बॉय के अंदर। ओह माय गॉड, पूरी नॉस्टैल्जिया फील आ रही है मेरे को यार। अभी ऊपर और भी है, काम करते हैं छोटा सा राउंड मार के आते हैं ऊपर। चलो चलो चलो, होली क्रैप, ये क्या है, ये कैसे खेल दिया है? तो गेम यहाँ पे खेल दिया, और ये छोटी सी स्क्रीन है, ये तो एक्चुअली बहुत पुराना लग रहा है मेरे को। उसके बाद आता है हमारा पुराने ज़माने का गेम क्यूब, ये एक्चुअली लिटरली अभी ये बंद हो चुकी हैं ये चीज़ें। व्हाट, ये क्या है यार। घूमो 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 घूमो, तो गाइस अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे एक बहुत खतरनाक टैक वाली शॉप है, जिसका नाम है डॉन, क्या ये सुवेनियर शॉप है, जहाँ पर अजीब अजीब लेवल के सुवेनियर मिलते हैं, और इस शॉप का नाम है डॉन क्वेटो। डॉन क्वेटो ब्रो, माफिया नाम है यार ये तो। ये देखो सारे अपने गेमर लोग अंदर बैठे हुए हैं यार, अच्छा हम भी अंदर जा रहे हैं, लेट्स गो देन। ये मशीन वाली जगह, आर्केड वाली जगह है, यहाँ पर अपना काम नहीं है। ये सब क्या है, क्या है? अच्छा डीमोनेटाइजेशन का सामान है। यहाँ पे 5 फ्लोर और हम वंस अगेन शुरुआत करेंगे, अभी इस बार शुरुआत कर लो से, ठीक है, तो लो से शुरुआत करते हैं, हाई फिर हाई फिर हाई। एंड ये रहा फ्लोर नंबर 1। ओके, कहाँ लें यहाँ से फ्लोर नंबर 1 से? यार ये सारा ये गुड्डियों का सामान है यार, ये मेकअप शुपर लगा कर रखे हैं लोगों ने। ओके हाँ, कॉस्मेटिक्स है, पूरा फ्लोर ही कॉस्मेटिक्स से भरा हुआ है।
ओके यहाँ पर इतना काम नहीं है, ऊपर चलते हैं। किसी को मेकअप देना है तो हाँ, अगर आपको गाइस मेकअप वगैरह बाय करना है तो फील फ्री टू कम हियर। बाकी अभी चलते हैं फ्लोर नंबर 2 पे, ये रहा ना। ओके चलते हैं फ्लोर नंबर 2 के ऊपर, राइट। एक एक फ्लोर, वो GTA वो कॉल ऑफ ड्यूटी के मशीन होते हैं ना, सर्च एंड डिस्ट्रॉय वाले, लिटरली सर्च कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय क्या करना पता नहीं। एंड ये रहा ब्रोस फ्लोर नंबर 2 हैं। वंस अगेन पूरा पोकेमोन थीम यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है। ये भी लेडीज है क्या? जब भी जाते हैं ना सबसे पहले यही चखता है। मैं बता नहीं सकता कि छोटी छोटी चीजें मेरे को कितनी क्यूट लगती हैं, मैं बता नहीं सकता। ये लिटरली माइनक्राफ्ट वाली थीम है, कॉलम फ्लावर दे रहा विलेजर्स के बच्चों को, वही थीम है एक्चुअली। ओहो हो, पोकेमोन प्लस डोरेमोन की स्टेशन, ये क्या है? खाने पीने की स्टेशनरी भी यहाँ पर लगी हुई है, नहाई सब कुछ मिल रहा है यार यहाँ पर, लिटरली सब कुछ। ये जिम सेक्शन है, उधर है पोकेमोन सेक्शन, फिर आता स्टेशनरी सेक्शन, और इस तरफ है अपना गेमिंग सेक्शन। इंडिया की अगर आप गफार मार्केट के अंदर गए हो ना, वही फील आ रही है। ये चीज़ें तो सिर्फ जापान में ही मिलेंगी ना, ये लिटरली ये जापान में ही मिलता है, और कहीं नहीं मिलेगा आपको ये। अरे यार ये मैं लेके आया था दूसरी शॉप से, और यहाँ पर कितने का? यहाँ पर 4,000 का, मैं लेके आया था 5,000 का, डबल नहीं ना, डबल थोड़ा बहुत चूना लग चुका है, पर इज ओके। ये चीज़ें पता क्या चक्कर है, एक ही बार में देखने पर ही लेनी पड़ती हैं, बाद में मिलती नहीं है। तो मेरा फंडा यही है कि जो चीज़ जहाँ से मिल रही है ले लो, बाद में ढूंढने में टाइम बहुत वेस्ट होता है इनका। अभी चलते हैं एक बार फिर से फ्लोर नंबर, पता नहीं कौन सा फ्लोर है, आई थिंक तीसरा फ्लोर है, अरे फोर्थ फ्लोर पे आ चुके हैं। कैशियर कहाँ पर है? हर एक जगह पर सूटकेसेस, डोरेमोन क्यों बैठा कर रखा है यहाँ पर, वो भी अकेला। भाई 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 गैजेट सेक्शन, भाई साहब नाइस। और ये कुछ आईफोन अपने एयरपोर्ट से कवर, इस खतरनाक जगह है यार, लाइक लिटरली नाइस जगह है। एंड ये गाइस अभी इंसान भाई खतरनाक शॉपिंग कर रहे हैं, एकदम खतरनाक। अभी आता था नेक्स्ट फ्लोर। ओके यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? ओके यहाँ पर कॉस्प्ले का सामान है, यस। तो अगर आपको कॉस्प्ले पसंद है, नई नई चीज़ें ट्राई करनी है, तो आप यहाँ पर आके चीज़ें ले सकते हो। लिटरली सारा कॉस्प्ले का जो है फ्लोर बना हुआ है, यहाँ पर अपना काम नहीं है। तेरे कॉस्प्ले करना? हाँ ओके आ जा फिर, कर ले। क्या लेना तेरे को? ईशान को कॉस्प्ले करना है? हेलो नारुतो चाहिए आपको? हेलो ईशान, व्हाट इज गोइंग ऑन? कॉस्प्ले करना है? कॉस्प्ले करना है ईशान को? है नारुतो कहाँ से ले जाऊँ अब? ईशान को कॉस्प्ले करना है? ओके नाइस, आ जाइए। कहाँ पर है नारुतो का सामान? किधर है? यहीं से तो हम हो के आए थे, लेट्स गो। कुछ नहीं ईशान, कॉस्प्ले तेरे को नहीं करना है, टाइम खोटी कर रहा है, चला चलते हैं नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर। अजीब और गरीब चीजों का शौक है ईशान भाई को, मुझे नहीं है। तेरे को कॉस्प्ले करना था? और अभी आ चुका था नेक्स्ट फ्लोर, ये है गेमिंग सेक्शन, राइट। हमको गेमिंग नहीं करनी, गेमिंग बहुत है। एक और फ्लोर चेकआउट करके आते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। आई थिंक ये है अपना दी फाइनल फ्लोर, इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसके बाद हमने पूरा मेनली चेकआउट कर लिया, और ये है गेमिंग फ्लोर। ओके एक बार तो मतलब गेमिंग के लिए लोगों ने दो दो फ्लोर देकर रखे हुए हैं, वो देखो कैसे नाच रहा है, टेढ़ो का नाच रहा है, नाइस है भाई, पूरी फुल ऑन गेम बाजी चल रही है यहाँ पर। अरे ईशान भाई गेमिंग फ्लोर है, ऊपर वाला बंद आते हैं, यही लास्ट फ्लोर है इनका। ओहो हो। और अभी गाइस ये है हमारे व्लॉग का फाइनल पार्ट, तो ये है टोक्यो की, जापान की द मोस्ट फेमस क्रॉसिंग, ये है शिबुया क्रॉसिंग।
और यहाँ पर बहुत सारे बंदे यहाँ पर जमा हो चुके हैं, पूरे रोड वगैरह ब्लॉक हैं, लेकिन somehow हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ऑब्वियसली ईशान भाई साथ में हो ना, तो मुझे आला कोई बंदा रास्ता रोक ले अपना। हमें एक्चुअली जाना था वहाँ स्टारबक्स के ऊपर, आप देख रहे हो ना ये स्टारबक्स, ये रहा ये स्टारबक्स, हमें वहाँ पर जाकर ना पूरा ऊपर से नीचे वाला व्यू लेना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्टारबक्स बंद है। फिर हमने सोचा कि ये पीछे जो कैफ़े है यहाँ चलते हैं, वो भी बंद है, तो हमें यहीं से व्यू लेना पड़ेगा अपने क्रॉसिंग का। यही बेस्ट जगह है अपना ब्लॉग, अपना टूर, अपना जापान का एक्सपीरियंस खत्म करने का। चलो भाई यहाँ पे भीड़ भी बहुत हो रही है, आई थिंक अपने को भी निकलना चाहिए। निकलते लास्ट टाइम यहाँ पे बहुत बुरी हालत हुई थी, निकलते हैं। हाँ तो यार बहुत ज़्यादा रश है, और गाइस यही अपने जापान के ब्लॉग का लास्ट जगह थी। हमको अनफॉर्चुनेटली ये ट्रिप यहीं पे एंड करनी पड़ेगी। कुछ ही घंटों के अंदर रोनी तो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है, और कुछ ही घंटों के अंदर अपने ईशान भाई भी निकल जाएंगे इंडिया की तरफ, और कुछ ही घंटों के अंदर मैं भी निकल जाऊंगा अपने घर की तरफ। नहीं चलिए बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट 24 आवर में मैं अपने घर पे होऊंगा। मेरे को जापान के अंदर बहुत मज़ा आया, एकदम मैजिकल प्लेस है, एकदम मैजिकल। तो अगर आपको ये मज़ा आया इस छोटी सी व्लॉग सीरीज के अंदर, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे बहुत सारे ट्रिप आने वाले हैं, इनफैक्ट अभी स्पेन के व्लॉग आना शुरू हो जाएंगे इसके बाद, एंड यार वो पूरे देखने आपने, एंड वन सेकेंड इनको शेयर भी करना है। एंड यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, एंड बाय।